कैथल के जिला उपायुक्त लगातार विवादों में बने रहते हैं। चाहे कर्मचारियों का विवाद हो या पत्रकारों का विवाद या फिर आम आदमी के साथ बातचीत का मामला हो, उन पर अक्सर सवालिया निशान उठते रहते हैं। आज भी कैथल में उनके रवैये से परेशान होकर तबादले की मांग को लेकर अध्यापक संघ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कैथल डीसी कैंप में एकत्रित हुए। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए उपायुक्त ने धारा 144 भी लगाई थी, लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए उन्होंने डीसी के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी बारिश में कई घंटे भीगते रहे, लेकिन डीसी ने उनकी बात सुनने तक की जहमत नहीं उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अपना बचाव करने के लिए धारा 144 लगाने वाले जिले को क्या सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे गैर जिम्मेदार उपायुक्त को सस्पेंड कर देना चाहिए। बातचीत के द्वारा ये कोई समस्या का समाधान करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि देखने में आया है ये जनता के किसी भी तबके से बात नहीं करना चाहते। कल भी इसी तरह का एपिसोड हुआ, कुछ लोग जब इनको ज्ञापन देना चाहते थे तो बजाय ये ज्ञापन दिए पिछले दरवाजे से निकल के चले गए, लेकिन जब पत्रकारों ने बातचीत करना चाहिए, इनसे सवाल पूछने चाहे, तो पत्रकारों को धमकाना शुरू कर दिया। पत्रकारों को ये धमकाते हैं, FIR दर्ज उन पर करवाते हैं, कर्मचारियों को ये धमकाते हैं, यहाँ तक के हमारे DO को मीटिंग के अंदर गालियाँ तक ये देते हैं, हमारे शिक्षा अधिकारियों को, हमारे मुख्य अध्यापकों को, प्रिंसिपलों को बुरी तरह से गालियाँ देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ के DC? असल में DC साहब जब कैथल के अंदर आए थे, उसी टाइम से इनका जो रुख है जनता के प्रति वो काफ़ी नाराज़गी भरा है। DC साहब जब कैथल के अंदर आए तो उन्होंने अखबार में स्टेटमेंट लगवाई थी कि आंगनवाड़ी वर्कर जो काम नहीं करेंगी उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, और इनके बयान के खिलाफ हमें जो है कैथल में आंदोलन करना पड़ा। और सबसे बड़ा दर्द आज भी हमें ये है कि DC साहब ने हमारे साथ बात नहीं की। लगभग 3-4 घंटे जो है हमारी बहनें बारिश के अंदर सेक्रेट के अंदर जो है डटी रही थी, और आखिर में हमें जो है जिला सचिवालय का घेराव करना पड़ा, तब जाके जो है उन्होंने हमारे से बात की। और जब हमने उनको कहा कि हमने किस काम से मना किया था जो आपने अखबार के अंदर ये बयान लगवाया, तो DC साहब बोलते मुझे किसी अधिकारी ने मिसगाइड कर दिया था। हम ये आज जो है अध्यापकों को भी, जो अध्यापक है, दो अध्यापकों को सस्पेंड किया गया है, FIR दर्ज की गई है। हम ये कहना चाहते हैं उपायुक्त जिले का मुखिया है, और मुखिया होने के नाते उनका एक दायित्व बनता है कि वो जनता से बैठ के बात करे, ये नहीं कि उनके गेट पे कोई आए, उनके दरवाजे पे कोई भी आए और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी जाए और फिर उनको एक रंजिश के तहत। बता दें कि जुलाई 2021 में कैथल के कुछ कॉलोनी वासी अपनी समस्या को लेकर रात के समय DC के निवास स्थान पर पहुंचे थे, लेकिन समाधान करने की बजाय उपायुक्त ने तो उल्टा उन लोगों पर ही मुकदमे दर्ज करवा दिए, जिसमें कुछ सरकारी अध्यापक, पत्रकार और अन्य व्यक्ति शामिल थे। और लगभग एक साल बाद उन अध्यापकों को सस्पेंड कर दिया गया, जिसके विरोध में अध्यापक संघ और आंगनवाड़ी वर्कर्स और कर्मचारी वर्ग सड़कों पर आ गया है। कैथल से विपिन शर्मा। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।